इनेलो लोकसभा प्रत्याशी महेंद्र चौहान ने शुक्रवार को पलवल व फरीदाबाद के दर्जन भर गांवों का दौरा कर लोगों से जनसंपर्क किया, जिनमें गांव आमरू, दुदौला, सिकंदरपुर, भुर्जा, सहराला, छपरौला, गदपुरी, हरफली, सोफता, मोहला, नगला जोगियान, प्रथला आदि शामिल हैं। इस अवसर पर लोगों ने चौहान का फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया और उन्हें भरपूर समर्थन देने का विश्वास दिलाया। इस अवसर पर महेंद्र चौहान ने कांग्रेस और बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि इन लोगों ने हमेशा जिले की जनता को लूटने का काम किया है। उन्होंने कहा कि इन दोनों ने हमेशा अपने हितों के लिए काम किए हैं, जनता के हितों में कभी काम नहीं किए। इन्होंने हमेशा लोगों के भाईचारे को खराब कर उन्हें आपस में लड़ाने का काम किया है। चौहान ने कहा कि इनेलो पार्टी ने हमेशा लोगों के हितों में काम किए हैं और उनकी पार्टी जो भी वायदे उनकी पार्टी जनता से करती है उन वायदे पर वह खरा उतरती है। उन्होंने कहा कि इनेलो की नींव रखने वाले ताऊ देवीलाल ने हमेशा बुजुर्गों का सम्मान किया और बुजुर्गों के लिए पेंशन की योजना भी सबसे पहले ताऊ देवीलाल ने शुरू की थी और अगर उनकी पार्टी सत्ता में आते हैं तो सभी को 100 रुपए प्रतिदिन यानी 3,000 रुपए प्रति महीने पेंशन दी जाएगी। उन्होंने कहा कि भाजपा पार्टी ने सत्ता में आने से पहले लोगों से जो बड़े बड़े वादा किया था उन वादे पर बीजेपी खरी नहीं उतरी, जिसके चलते आए दिन बीजेपी पार्टी के प्रत्याशी को लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा है। इलेक्शन का दौर चल रहा है, सिर्फ वोट की अपील करने आए आपसे और वोट की अपील भी आपसे साउथ देवलाल पार्टी से करने के लिए आए आपसे और ये आपसे यही अनुरोध करती है, सब समझदार हो, सभी सरकार आपके सामने है, बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो चाहे इनेलो, अभी बीजेपी आपने देखी है जितने भी वादे किए थे सारे के सारे वादे फेल हो चुके नहीं हो चुके। कांग्रेस इसी तरह कांग्रेस पार्टी होगी, अगर सच्ची हिमाची है तो सिर्फ इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ही आपकी हिमाची है। साउथ देवलाल ने जो वादे किए वो पूरे किए, तो आपसे यही अनुरोध है, वोट की अपील करने आए हैं और मैं जैसे झूठे फूटे हूँ तेरे बीच में हमेशा रहूंगा और कोई बातें नहीं। वहीं पिछले दिनों हुई जाट धर्मशाला में आयोजित बैठक में जाट सेवा संघ से जुड़े लोगों द्वारा महेंद्र चौहान को समर्थन दिए जाने के बाद चुनाव मैदान में खड़े नए प्रत्याशियों के हौसले पस्त होते नजर आ रहे हैं, जिसके चलते एक और जहां इन चुनावों में इनेलो प्रत्याशी की बढ़त दिन प्रतिदिन दिखाई दे रही है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस और बीजेपी के प्रत्याशियों का विरोध बढ़ता चला जा रहा है।